ये देखो जगह जगह पैसे मांग रहे हैं, ये इनकी दादागिरी है। ये ट्रैफिक पुलिस का है 300 का महीना, ये नहीं हम देंगे जी, गाड़ी बंद कर दो। जब मैकेनिकल कट गया, मैकेनिकल के अलावा और क्या मतलब है? नहीं करो कोई बात नहीं सरकारी, बंद कर दो गाड़ी, मैं कोर्ट में छुड़वाऊंगा गाड़ी आज। ये दादागिरी थोड़ा ना कि सारी दादागिरी है, अंडर लोड अंडर हाइट नेतागिरी की नहीं है, ये भी डिप्टी सीएम की गाड़ी है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर डालूंगा मैं, ऐसे थोड़े ना करूंगा यार। चल जा, परेशान मत हुआ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर भड़का तो भोले बने कर्मी, सोच रहे होंगे हमें नहीं पता था ड्राइवर निकलेगा उस्ताद, बोले ले भैया पकड़ अपनी फाइल और जा यहाँ से। दोस्तों, पुलिस कर्मियों को घुटने पर कैसे लाना है, कैसे उन्हें भोले बना देना है, जरा इस वीडियो को देखिएगा, इस खबर में ये राज है। जी हाँ, कर्मी जो ये बोलने पर मजबूर हो गए ड्राइवर को कि भैया जा बाबा जा, हो गया चल जा यहाँ से, परेशान ना हुआ करो। अब सोचिए किस तरह से भोले बनकर ड्राइवर को ये बातें कह रहे हैं, और ये बातें वो तब कह रहे हैं जब ड्राइवर ने अपना रुद्र रूप ले लिया। जी हाँ, पहले रुकवा कर सोचा होगा कि आराम से जो मिलेगा ऐठ लेंगे। वीडियो में सारे सबूत हैं ऐठने वाली बात के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन किस तरह से वो भोले बन जाते हैं जब ड्राइवर यहाँ पर अकड़ जाता है, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा ड्राइवर ने कैसे जमकर इन्हें लताड़ लगाई है, और उसके बाद ये पानी पानी हो गए हैं। वो आते हुए रहने दो, देखिए फिर। ये ट्रैफिक पुलिस का है 300 का महीना, ये नहीं हम देंगे जी, गाड़ी बंद कर दो। करेंगे, रुको ना। इनका गाड़ी चेक करो, करो निकल गया, चेक करो। चलो चलो, देखो मुकेश का गाड़ी लाओ, गाड़ी दो नंबर। ये देखो जी, ये आज छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे भी चलान, ये इनकी दादागिरी है। ये देखो जगह जगह पैसे मांग रहे हैं, कहाँ से पैसा दे गाड़ी वाला। ये है इनका हाल, जब मैकेनिकल कट गया, मैकेनिकल के अलावा और क्या मतलब है? नेतागिरी की नहीं है, ये भी डिप्टी सीएम की गाड़ी है। तो ठीक है ना, इधर आना नहीं रहे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इधर आइए इधर आइए। हाँ बोलो, कहाँ से दे 300-300 रुपया हम? हर एक थाने वाला गाड़ी चेकिंग होगा आपका, गाड़ी कमी, हर एक थाने वाला ऐसे एंट्री दे रहा है। छत्तीसगढ़ विशाखापटना तक हम 300-300 रुपया हर एक थाने को दें तो भाड़ा तो सारा थानों में लग जाएगा। आपका गाड़ी में कमी होगा तो देखा जाएगा, उसका फाइन कटेगा। नहीं करो कोई बात नहीं सरकारी, बंद कर दो गाड़ी, मैं कोर्ट में छुड़वा लूंगा, मैं कोर्ट में छुड़वाऊंगा गाड़ी आज। हाँ, परेशान मत हुआ, परेशान ऐसे ना परेशान करो यार, कितने थाने पड़ते हैं विशाखापटना तक, कितने किसको 300-300 रुपए दें? ये पूरी अब ट्रांसपोर्ट टीवी पर डालूंगा मैं, ऐसे थोड़े ना करूंगा यार। ये दादागिरी थोड़े ना कि सारी दादागिरी है, अंडर लोड अंडर हाइट ऐसे नहीं ना काम चलता है, 300-300 रुपए किस किस को बांटे जाओ। ये वीडियो काफी ग्रुपों में वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होती जा रही है। घटना छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाकी वर्दी में भी पुलिस वाला खड़ा है और व्हाइट वर्दी में भी। ड्राइवर उनके पास फाइल लेकर जाता है गाड़ी रुकवाने के बाद, अन्य गाड़ियां भी लाइन में लगी हैं। पहले से ही एक ड्राइवर वहां खाकी वर्दी वाले के पास खड़ा हुआ है, शायद उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा ही इंतजाम चल रहा है। अब देखिए, ड्राइवर वहां पहुंचा, बड़े आराम से उसने फाइल दिखाई तो कह दिया गया ये आरटीओ का नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस का है। भाई अब ये क्या चीज हो रही है? इस बात पर ड्राइवर ने विरोध जता दिया कि बॉर्डर पर कटवाएं, हर जगह पैसा दें, इसके बाद यहाँ पर भी पैसे लिए जा रहे हैं, ये माजरा क्या है? बस जब ड्राइवर ने तेवर दिखा दिए तो कह दिया गया कि भैया ऐसा है तुम्हारी गाड़ी चेक हो। अब गाड़ी चेक करने पर आ गए, पहले सीधा ही 300 रुपए की बात कर डाली। अब किस चीज के लिए कह रहे हैं 300 रुपए महीना, ये तो जांच का विषय है। आला अधिकारी इस बात को पकड़े और इस पर ध्यान दे। जब ड्राइवर ने हो हल्ला किया, फिर क्या हुआ वो भी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दे, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से, बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90833 90833 पर। जी हाँ, यहाँ पर जब ड्राइवर ने रुद्र रूप अपनाया,
देख सकते हैं आप यहाँ पर जब वो पहुंचे तो जनाब पूरी दुकान खोले बैठे हैं, रसीद की किताब खुली हुई है और नीचे अखबार रखा हुआ है। मानो कि पूरी अपडेट भी यहीं से लेते हैं, लेकिन इन्हें शायद ये अपडेट नहीं है कि अगर ये बात आगे पहुंच गई तो इनके साथ क्या होगा। इस बात से बेखबर जिसको जहां पा रहे हैं रुकवा रहे हैं और 300 रुपए महीना की बात कर डाल रहे हैं, और जब कोई झांसे में नहीं आ रहा है तो गाड़ी चेक करने की बात। ड्राइवर भी सरफिरा निकला, वो भी इनसे दो कदम आगे निकला। उसने कहा कि भैया देखो पैसे तो नहीं दूंगा, मैं गाड़ी कोर्ट से छुड़वा लूंगा, आप चालान करो, गाड़ी को बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, पंजाब के इस ड्राइवर ने कुछ ऐसा ही किया, हिला कर रख दिया इन लोगों को। आप देख सकते हैं ये लोग जो हाथ में डंडा नहीं पाइप लिए खड़े हैं। अब ये पाइप कहाँ से लाए हैं, किस कंपनी की, ये भी जांच का विषय है। ड्राइवर कह भी रहा है कि भैया मैकेनिकल कट गया, उसके बाद भी पैसा दो, ये दो वहां दो, इतने पैसे पूरे रूट पे लग जाते हैं। आखिर ड्राइवरों की जान इन सब से कब छूटेगी, ये बड़ा सवाल है। जब ड्राइवर ने सब कुछ कह डाला, ताव में आ गया, तो कह दिया कि भैया जाओ, आराम से जाओ, चलो यहाँ से, और आखिरकार उसे जाने भी दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि उसे परेशान क्यों किया गया, क्या वजह थी जो रोका गया। अगर वो गलत था तो था, आप चालान करते, जो भी कार्रवाई होती वो करते। ड्राइवर ने आवाज उठाई, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे थे जो दाल में काला होने की वजह बन रही थी। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद।